1992 में मेरे को मेटाडोर था, मैं पैसेंजर में चलता था, 6 रुपए का डीजल था, 6 रुपए का भाड़ा था। हमारा रावण रावण को कोई कोई मौका नहीं दिया, कोई उद्योगा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई घूमे हम रावण को हमको कोई चार नहीं दिया। गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर हम लोग विधानसभाओं का लगातार हम लोग यहाँ पर विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से ओपिनियन जान रहे हैं। आज हमारे साथ एक चाय दुकान के हमारे संचालक हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं कि क्या गुजरात में किसकी सरकार में बना रहे हैं। जी काका, आपका परिचय? हाँ, मैं ऐसे तो पालनपुर का रहने वाला हूँ। जी, मेरा नाम लव कुमार चौधरी है, गाँव रहा हूँ। और अभी चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैंने आज तक दूसरे में वोट भी नहीं दिया था, बीजेपी में ही वोट दिया था। लेकिन पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं महंगाई भी इतना हो रही है, रोज़गारी मिल नहीं रही है। जो रोज़गार करता है वो गाड़ी घोड़ा लेके कर लोन ले कर बेचारा उसका गुजारा करता है, तो उसमें भी परेशानियाँ है। पैसा देते हैं तो उसका चलता है, नहीं देता है तो नहीं चलता है। और दूसरी बात ये है कि हम खेडूत लोग हैं, जो जो 1000 रुपया खेडूतों को देकर खेडूतों को फुसला रही है सरकार। पहले मैं टाइपिस्ट था, तभी हमारे यहाँ कोई वारसाई नोट होती है, जो मतलब कोई मर जाता है, गुजर जाता है, तो उसका वारसाई नोट होता था, तो पहले 80 रुपये में होता था, 20 रुपये का स्टैम्प लगता था, 20 रुपये का लिखाव लिखता था, 50 रुपये नोटरी का, सब मिलके वो 100 रुपये में तो हमारी वार्षिक नोट हो जाती थी। अभी सरकार ने ऐसा निकाला कि ऑनलाइन से अर्जी करो, तो जो अर्जी वाला है वो खुद ही 1000 रुपये का ले लेता है, उसके बाद हमको स्टैम्प तो लगाना ही है, और स्टैम्प भी 500 रुपये का। और जो हमारा जो मतलब बहने है, तो बहने का नाम निकालना है, तो अभी दस्तावेज ला दिया उसमें, तो उसमें जंत्री के हिसाब से 35,000 का खर्चा लगता है, ज़मीन हमारी है, हमारे भाई बहन है, तो वो भी हो रहा था 100 रुपये में, तो 2000 से ज़्यादा वो ले रहे। हमने तो आज तक 2000 लिया भी नहीं, हम भुगड़ का खाते भी नहीं, तो हमको खुद को भी खर्चा करना पड़ा। और भ्रष्टाचार कैसा देते हैं तो ही काम चलता है, टुकड़ा बंदी ला दिया, कुछ खेडूत का है खेत, उसमें से भाई भाई अलग होते हैं, तो किसी भाई को 1 बीघा ज़मीन आती है, किसी को 1.5 बीघा आती है, तो बोलता है टुकड़ा है, वो नहीं होगा, तो उसके लिए भी खर्च हो गया। दूसरी बात ये पेट्रोल डीजल, 1992 में मेरे को मेटाडोर था, मैं पैसेंजर में चलता था, 6 रुपये का डीजल था, 6 रुपये का भाड़ा था। और आज क्या भाव है पेट्रोल का? आज पेट्रोल का जो 100 रुपये चल रहा है, 90 से 100 रुपये अगल बगल वो थोड़ा रहे हैं, उसमें से जो डीजल का है तो उसका भाड़ा। सुरेश भाई, कांति भाई, क्या लगता है गुजरात में सरकार किसकी बनेगी? गुजरात में सरकार बनेगी भाजपा की सरकार बनेगी। काम किया है भाजपा ने? हाँ, भाजपा ने काम सब कुछ किया है, लेकिन हमारे रावल को कोई मौका नहीं दिया, कोई उद्देदार नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई घूमे हम रावल को हमको कोई चार्ज नहीं दिया। अच्छा। इसीलिए हम रावल ऑब्जेक्शन ऊपर आ गए। रावल समाज है? हाँ, हमारा रावल समाज है, रावण योगी हमारा समाज है, बहिष्कार करने का है, शब्द आखिर इंडिया में करने का है, लेकिन क्या है कि वो अभी माहौल जैसा चले ऐसा करने का है, लेकिन भाजपा सरकार तो बनेगी, मोदी सरकार बनेगी, भाजपा सरकार बनेगी। तो क्या रावल समाज भाजपा को वोट देगा? रावल समाज जो हमारा कमीशन पूरा हो जाएगा, हमारा हाँ। जो है वो हमारी मांग है वो पूरी हो जाए, कोई हमारा मानस आगे उद्देदार में ले, कोई हमारे गरीब बच्चों को कोई आगे पीछे कोई नौकरी धंधा कहीं भी दे, तो हमारे वोट तो भाजपा को देने का है, दूसरा कोई को देने का नहीं, क्योंकि हमारे रावल अभी गरीब। आपको कि भाजपा आपका मांग पूरी कर लेगी? हाँ, भाजपा तो मांग पूरी कर सकती है ना, वर्ल्ड वाल का अब तक 5 साल पूरे तो हो चुके हैं गुजरात में। हाँ, तो सबका करा है तो हमारा भी करेगी, लेकिन अब कब करेगी? अब वक्त तो बचा नहीं। हाँ, तो वक्त बचा नहीं, तो वो तो चुनाव पहले हमको कह देगा कि ये तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा। तो कब करेगा काम?